आता हूँ जनाब जनरल खालिद लोधी साहब के माजी में हमने देखा कि अमेरिका आया, अमेरिका ने अपने ट्रुप्स निकाले और चला गया और फिर हमने बड़ी खाना जंगी देखी। कोई तरीक़ेकार, कोई सिस्टम, कोई ऐसा सिलसिला बना के नहीं गया था। अभी जो हम देख रहे हैं सर कि अगर इसी तरीके से अमेरिका अपने ट्रुप्स को निकाल के चला जाता है और जो भी जो जो इत्तेहादी फौजें वो चली जाती हैं, तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की अभी की सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं और एक ही चीज़ नज़र आ रहा है और वो नज़र आ रहा है इंट्रा अफगान टॉक्स। तो इंट्रा अफगान टॉक्स में अगर अफगान तालिबान पीस की तरफ जाना भी चाहें तो आपके बकौल और साथियों के बकौल जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है अफगान की, अशरफ गनी की, वो कभी नहीं चाहेगी कि ये मुआहदा कामयाब हो। तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी सर आगे? जी मेरा जो तजिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और साफ ज़ाहिर है कि अपनी अपनी राय देना हम सब का हक है। तो मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता कि ये हालात वैसे ही होंगे जैसे पिछली दफ़ा हुए थे। उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा वहाँ टोटल वैक्यूम था, रशिया वहाँ पर हार कर निकल गया, अमेरिका वैसे हाथ झाड़ कर निकल गया। अब यह है कि चलें हार और जीत की हम बात नहीं करते, हम समझते हैं कि अमन की जीत होने के इम्कानात हैं, लेकिन मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, डिफरेंसेस बता देता हूँ कि जो पहले की सिचुएशन में इस सिचुएशन में है। अमेरिका ज़रूर यहाँ से जा रहा है लेकिन जो बाकी ममालिक यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो यहीं पर हैं, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं। दूसरी बात यह है कि मेरी इतलात के मुताबिक, अच्छा एक तो आपके सामने दो चीज़ें बिल्कुल वादे हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम में मजमून आया है हकानी साहब का, वो आपने पढ़ा है, वो रिकंसिलिएशन की तरफ का वो बात करते हैं। ये जो अभी बात कर रहे थे जनरल जाद साहब के जो उनके रैप हैं या ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जो कहा है वो भी रिकंसिलिएशन की तरफ है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मॉस्को में दो इंट्रा अफगान डायलॉग हो चुके हैं जिसमें हामिद करज़ई भी एक में शामिल था। एक में तो 100 लोग थे जिसमें उज़्वत भी थे और हज़ारा भी थे और भी लोग थे, जितने फैक्शंस आप समझ सकते हैं वो सारे मौजूद थे, यहाँ तक के कुछ ख्वातीन भी थीं। तो ये जो इंट्रा अफगान डायलॉग है इसकी डेफिनेशन अगर आप ये समझें कि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान डायलॉग को इंट्रा अफगान डायलॉग कहते हैं तो ये गलत है। अफगान हुकूमत जो है एक छोटा फैक्शन है ओवरऑल जो कुछ भी अफगानिस्तान में मौजूद है, वहाँ पर जो तुर्क मैन हैं, जो हज़ाराज हैं, जो उज़्बेक्स हैं, जो और लोग हैं, वो सारे पहले से बातचीत हो रही है। और ये मैं एक चीज़ आपको और इंडिकेट कर दूं कि जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला हैं वो अभी उस तरीके के दुश्मन नहीं है अफगान तालिबान के, उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन है। अब जल्द देखेंगे कि ये अफगान हुकूमत से अलग हो जाएंगे। आज उन्होंने एक बल्कि एक अपना ऑर्डर भी जारी किया है जिसमें हिकमत यार को उन्होंने कहीं पर अपॉइंट किया है। और ईरान और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये सारा मसला, देखें उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस को रशिया भी सपोर्ट कर रहा था और ईरान भी सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान की सपोर्ट जो थी वो इस तरफ थी, जिसकी वजह से ये लड़ाई चलती चली जा रही थी। अब सब ने अपना सबक सीखा है, सबको पता है कि ये हमने ये काम नहीं करना है। लेकिन एक बात से मैं इख्तलाफ करता हूं, मेरे जितने भाई कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अफगानों को अफगानिस्तान पे अफगानों को छोड़ दो वो खुद अपना मसला हल करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। फैसिलिटेटर मौजूद होंगे तो ये काम होगा और फैसिलिटेटर इस वक्त कौन कौन मौजूद होगा? पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, ये क्वाड और ये फैसिलिटेटर होंगे, ये कोई उसमें रखना अंदाजे नहीं करेंगे। तो ये जो मेरे भाई समझ रहे हैं कि अगर इनको छोड़ दिया तो ये खुद ब खुद अपने मामला हल कर लेंगे, ये ना पहले कभी हुआ है ना ये करेंगे और इसमें उसमें इस खाना जंगी का इम्कान है। लेकिन चूंकि अब ये चारों मुल्क जिनका मैं नाम ले रहा हूं इनमें उस किस्म की मुखासमत नहीं है जैसे कि पहले थी, इसलिए मुझे तो इसमें बहुत उम्मीद नजर आती है कि यहां पर होगा। तो जब आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान हैंड्स ऑफ, सारे तीनों कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा का नाम है कुछ ना करे, मेरे भाइयों इतनी लंबी सरहद है, आपके आधे लोग ट्राइब्स के उधर है आधे इधर है, अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया उसमें गड़बड़ करेगा, अगर आप कह रहे हैं ईरान उसमें गड़बड़ करेगा, तो पाकिस्तान को आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ ना करे, वो पीछे हटके ये तमाशा देखता रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये अभी थोड़ी देर के लिए स्टेज लगेगी, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अमेरिका भी शायद चाहेगा
कि अगर वो थोड़ा बहुत इनकी कोई आपस में करनी है तो वो फैसिलिटेट खुद नहीं कर सकेगा, किसी के थ्रू करना करवाना चाहेगा, और यही चार मुल्क करेंगे जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू है, पहले से हो चुका है, दो दफ़ा हो चुका है, और उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ अफगान तालिबान और हुकूमत की बात है, ये बहुत सारे फैक्शन इसमें शामिल हैं और इसमें फैसिलिटेटर होंगे, उनके बगैर ये आगे नहीं चलेगा जी।